सोनभद्र उत्तर प्रदेश से मनोज सिंह राणा खास रिपोर्ट। सोनभद्र म्योरपुर ब्लॉक के अंतर्गत कुछ वर्ष पहले चर्चा में रहने वाला मकरा, लिमरी और आसपास के कई गांवों में लगातार कई महीने मेडिकल कैंप लगा था। ये गांव वही है जहां दूषित पानी पीने से छोटे छोटे बच्चों का अचानक अज्ञात बीमारी के कारण लगातार मौत होने लगी थी। गांव निवासियों द्वारा सूचना पर जिसकी खबर मनोज सिंह राणा के द्वारा प्रकाशित होने पर स्वास्थ्य विभाग एवं आला अधिकारी द्वारा जांच प्रक्रिया शुरू कर दूषित पानी से निजात दिलाते हुए टैंकर की व्यवस्था किया गया था। जब तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था ना हो जाए, साथ ही गांव में लगे हैंडपंपों की जांच की प्रक्रिया का आदेश दिया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हैंडपंप का पानी पीने योग्य है, किंतु अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों को दरकिनारे कर गांव का वर्तमान प्रधान अपने चिहिंतों को जल की व्यवस्था दिए हैं। गांव के लोग शुद्ध जल के लिए त्रस्त है, 2-3 दिन में टैंकर जाता है। गांव के सभी लोग उसी टैंकर से पानी लेते हैं, कम मात्रा में पानी मिलता है जो उनके पीने की मात्रा को भी पूर्ण नहीं कर पाता है। गांव के सभी लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है। एक तरफ सरकार शुद्ध जल संसाधन पर करोड़ों रुपए खर्च करते हुए कार्य में तेजी ला रही है, वहीं दूसरी तरफ गांव में अभी तक सुस्त गति में पाइप लाइन बिछाने का कार्य हो रहा है। स्थानिक ग्रामीणों का आरोप है कि आला अधिकारी कभी जांच करने नहीं आते। इस संबंध में ग्राम प्रधान रामजीवन जी से फोन पर पूछने पर उल्टा ग्रामीणों पर आरोप लगाते हुए कैमरा से अपने को बचाते दिखे। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? अनीता। किस गांव के रहने वाली हैं? गढ़ावरिया। यहां सरकार दी हुई पानी की शुद्ध जल की व्यवस्था की गई है, क्या है, कैसे पानी आप लोग पीते हैं? इसी में से पीते हैं। यहां प्रधान द्वारा टैंकर आता था, कब आता है? 2-3 दिन में आता है। कितना बाल्टी पानी मिलता है? 4 बाल्टी। 4 बाल्टी पानी मिलता है। कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद। कैसे पानी की व्यवस्था इस गांव में? पानी यही है, टैंकर से आता है तो 3 रोज के बाद आता है। तीन रोज के बाद आता है। फिर पानी आप पीने के लिए यही सारा लेती हैं? यही पानी है, दूसरा पानी भर, कोई। किस गांव के रहने वाली हैं? यहाँ पानी की क्या व्यवस्था है? कैसे पानी लाया जा रहा है? बहुत दूर दूर से लाते हैं। सरकार द्वारा दी गई थोड़ा बहुत मिलता है, दूर भी नहीं है, गाँव में पानी नहीं है। पानी गाँव में नहीं है, गाँव में पानी। तो यहाँ प्रधान द्वारा कोई योजना दी गई पानी के लिए, टैंकर वैंकर बता सुने कि टैंकर भी आता है, क्या टैंकर आता है? इधर टैंकर कहाँ आता है, उधर आता है, मार्केट तरफ तो वो 4-5 दिन में एक दिन कोई मिलता है, कोई मिल नहीं करता, पानी नहीं मिलता है। कैसे यहाँ पानी की व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था यही सामने है सर, इसीलिए क्या करें, समय को बिता रहे हैं, बस एक एक चुरुआ निकाल निकाल के कैसे हम जीव को पोसते हैं। आपने इसकी शिकायत किसी आला अधिकारी को की पानी की? बहुत शिकायत हुआ, लेकिन अभी हम लोगों को कुछ में कुछ लाभ अभी नहीं मिला। नहीं मिला, नहीं। क्या यहाँ के प्रधान द्वारा टैंकर आता था, क्या हुआ? टैंकर वही 3 रोज में आ रहा है। 3 रोज में आता है? हाँ, 2 डब्बा देता है, इसके बाद उनका पानी खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है, कोई पाता है, कोई कोई वो नहीं पाता। अच्छा, कोई पाता, कोई हाँ, किसी को नहीं बचता है।